प्रिय दोस्तों नमस्कार। YouTube के LS टेक्नोलॉजी एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए आज हम बात करेंगे AutoCAD 3D में कि रिवॉल्व कमांड जो हमारे मॉडलिंग सेक्शन में थर्ड कमांड होती है, यहाँ पे रिवॉल्व कमांड, वो कैसे यूज करते हैं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों मैं आपको व्यू पोर्ट में थोड़ा सा आपको वो करके दिखाता हूँ कि उसके लिए मैं एक 2D व्यू और एक 3D व्यू आपको दोनों साथ साथ करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए पहले मैं आपके यहाँ पे जो जो हमारा जो है व्यू पोर्ट थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, VPO करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे 2 वर्टिकल लेता हूँ मैं और ओके कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप टॉप की जगह आप साउथ वेस्ट आइसोमेटिक कीजिए, यहाँ पे आप जो है रियलिस्टिक कीजिए या फिर आप शेडेड कीजिए, जो भी आप चाहे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या करें, चलिए अब दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। तो दोस्तों आज मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप हमारा जो चैनल है LS टेक्नोलॉजी एजुकेशन, उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों जब भी आप हमारे वीडियो देखें, वीडियो के हमारे जो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में सब्सक्राइब का बटन होता है उसको सब्सक्राइब करें और जो बेल बटन है उसको प्रेस करें ताकि जितने भी वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करें उनका जो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। यहाँ पे जैसे हमने 2 पेज बना लिए यहाँ पे, ठीक है, 2 व्यू पॉइंट हमारे हो गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ से एक लाइन लेता हूँ क्योंकि लाइन के हिसाब पे हम यहाँ पे, चलिए हमारा रिपोर्ट ये है, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। 2D पहले हम 2D पे काम करेंगे। यहाँ से मैं एक जो है यहाँ पे लाइन क्रिएट कर लेता हूँ मैं, एक या 2 जितनी भी लाइन आप चाहें क्रिएट कर सकते हैं। देखिए चलिए मैं आपको 2 लाइन पे क्रिएट करके दिखाऊंगा, ठीक है। से एक लाइन कुछ और लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ये मैं 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के दिखाऊंगा, उसके लिए मैंने 2 लाइनें ली है, ठीक है। आप चाहें तो तीसरी लाइन भी ले सकते हैं आप चाहें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं चलिए तीसरी भी आपको लाइन एक करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, ये तो एक बेस है कि इसको बेस पॉइंट मान के हम इसके ऊपर रिवॉल्व करें किसी भी टूल को, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ से, उसके बाद मैं यहाँ से आप चाहे तो लाइन ले सकते हैं, अगर आप लाइन ले, स्प्लाइन ले, पॉली लाइन ले, जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। स्प्लाइन मेरे ख्याल से बेटर है, अगर आप कोई गोल टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले चलिए दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सा एक लाइन और लेता हूँ, बिल्कुल सिंपल एक यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ मैं इसके आस पास, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक स्प्लाइन लेता हूँ यहाँ से, इसको आप ऑर्थो मोड को कर सकते हैं यहाँ से, आप जो भी जिस भी टाइप का ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। या मेरी जो लाइन है वो कंप्लीट हो चुकी। अब मैं यहां से एक सप्लाइन और यहां से यहां तक, आप चाहे तो सीधी रख सकते हैं यहां से, ठीक है। फिर से मैं यहां पे इस टाइप से एक, ठीक है, आप इस टाइप की चाहे जो भी चाहे आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए एक ऑब्जेक्ट मैं यहां पे डायरेक्टली आप किसी भी टाइप का बना सकते हैं, आप आर्क टाइप का, 3 पॉइंट, आप 2 पॉइंट, जो भी चाहें आप यहाँ से लें, 1 पॉइंट यहाँ लें, 1 पॉइंट आप यहाँ से भी ले सकते हैं, देखिए ये यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो इसको थोड़ा टच इससे थोड़ा सा यहाँ करें, ठीक है। थर्ड जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है हमारा, आप जो चाहें जिस टाइप का ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ से एक लाइन लेता हूँ सीधी, ठीक है। उसके बाद मैं यहीं से साथ के साथ स्प्लाइन यहाँ पे ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, अभी आप एक बात ध्यान में रखें, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्प्लाइन और लाइन ली, तो आप उनको पहले
कनेक्ट कर ले यानी ज्वाइन कर ले लाइन को। तो आप पहले इसको यहाँ से एक, जब तक आप इसको एक ऑब्जेक्ट में कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपका जो है कमांड एक्टिव नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से आप मॉडिफाई में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए पूरा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक ऑलरेडी है, ये भी हमारे दो यहाँ पे अलग है, तो इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ रिवॉल्व कमांड को यूज कैसे करते हैं। यहाँ पे हम रिवॉल्व कमांड लेते हैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हमें रिवॉल्व करना है उसको सेलेक्ट कीजिए। देखिए तीन ऑप्शन है, आप एंटर बटन दबाइए, राइट क्लिक करके एंटर कीजिए, या फिर स्पेस बार दबाइए, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि स्पेस पे स्टार्ट पॉइंट, आप स्टार्ट पॉइंट यहाँ दें, एंड पॉइंट यहाँ दें। उसके बाद दोस्तों आपको बताना क्या, आपको बताना यही है कि आप जो ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं उसको कितने डिग्री पर आप घुमाना चाहते हैं। आप 361 दीजिए, देखिए ये आप 60 भी देखते हैं, 61 मैंने 1 एक्स्ट्रा दे दिया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, देख ठीक है। ये हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट में हमारा, यहाँ से रिवॉल्व करता हूँ ये वाला, एंटर कीजिए, जो फर्स्ट पॉइंट है उसको दीजिए, सेकंड पॉइंट दीजिए, और 360 कर देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। थर्ड पॉइंट मैं आपको, जो हमारा रिवॉल्व कमांड में हम ले रहे हैं वो ये है दोस्तों, यहाँ पे राइट क्लिक करके एंटर कीजिए, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, इसको हाफ लेना चाहे तो हाफ, आप अगर 180 कर देंगे तो आप यहाँ से इसको हाफ दे देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जो मेरे तीन ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किए हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे, ठीक है। चलिए मैं इनको आपको जो है यहाँ से दिखाता हूँ, साउथ ईस्ट की जगह आप इसको, मैं यहाँ से दिखाता हूँ, आप इसको फ्रंट से देखिए, आप इनको लेफ्ट से देखिए, या आप कहीं से भी आप देख सकते हैं आप इनको, ठीक है दोस्तों। देखिए टॉप व्यू से हमारे ये जो ऑब्जेक्ट है इस तरीके से दिखाई देंगे, आप चाहें तो यहाँ से ग्रिड मोड ऑफ कर सकते हैं और इनको रिवॉल्व जो है रोटेट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से रोटेट अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से रोटेट कर लें, देखिए ठीक है। ये देखिए दोस्तों जो आपके ऑब्जेक्ट है हमने बनाए थे वो रिवॉल्व कमांड के थ्रू इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए यह तो हुई रिवॉल्व कमांड, अगले जो कमांड है वो है स्वीप कमांड, वो हम अगले, हमारा जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा दोस्तों उसमें हम जरूर करेंगे, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।